Hello and welcome to 30 mein 30, the daily dose of V-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. 30 khabrein fatafat. जहां करीना कपूर खान के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि वो शायद मां बनने के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दें, तो उस पर करीना ने खुद स्टेटमेंट देकर लगा दिया है फुल स्टॉप। रोहित की फिल्म है या किसी और की फिल्म में आप इसी रूप में एक्टिंग करने वाली हैं जिस फेज में आप हैं इस समय, तो क्या है? Well, I'm definitely going to go on with my normal life. I'm a working woman and there's absolutely nothing wrong in that. So I love my job. I'm passionate about my work. Acting में तो जब से मैं अपने माँ के पेट में थी तब से ही मैं एक्टर बनना चाहती थी, तो दैट्स फाइन एंड आई विल कंटिन्यू एक्टिंग ऑल माय लाइफ टिल आई एम 80. सो यू नो आई मीन ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ रोल फॉर मी व्हाई शुड आई नॉट डू इट. 30 खबरें फटाफट. करण सिंह ग्रोवर और उनकी वाइफ को कल रात हमने स्पॉट किया जब वो एक स्पा से बाहर निकल कर आ रहे थे. ये हस्बैंड वाइफ जो जितना हो सके अपना टाइम साथ में स्पेंड करना प्रेफर करते हैं, दोनों स्पा में भी साथ ट्रीटमेंट लेकर निकलते वक्त कैमरास को स्माइल देते हुए गए. 30 खबरें फटाफट. औधुना जो अपना सैलून चलाती हैं और कई स्टार्स की मूवीज के लिए हेयर स्टाइलिंग करती हैं, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किसका लुक सबसे ज्यादा पसंद आया तो उन्होंने लिया सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम. I have to say that I'm currently in love with Siddharth Malhotra's hair. In Bar Bar Dekho. That movie's coming up and I've just worked on that movie, so I'd like to say that's the hair that I like right now. 30 खबरें फटाफट. सोहेल खान जो अपनी नेक्स्ट मूवी फ्रीकी अली को लेकर आ रहे हैं, उनसे उनकी लास्ट डायरेक्टोरियल वेंचर जय हो को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऑनेस्टली जय हो का फेलियर एक्सेप्ट किया और फ्रीकी अली पर रख दी अपनी हाई होप्स. नहीं यार, आई थिंक वी जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ थिंग्स. आई वाज थिंग्स डिडंट वर्क आउट. वी जितनी मेहनत मैंने इस फिल्म में की है मैंने जय हो में भी की थी एक, बट आई फील दैट लोगों को इतनी पसंद नहीं आई. So it didn't do well for me. The audience is the verdict. They are the judges. So I just felt कि मुझे उससे कुछ सीखने को मिला. क्या उसके बारे में थोड़ी स्टडी भी की, क्या क्या हुआ होगा जो लोगों को पसंद नहीं आई. और जैसे कि आपने कहा कि जो एक expectations थी वो हम लोग उस तक नहीं पहुँच पाए. So everything is a learning process. And हमेशा ये होता है that a hit film is a good film, a flop film is a bad film. Simple. 30 खबरें फटाफट. जब फाइनली करण जौहर की ड्रीम टीम का यूएस में ड्रीम टूर पूरा हो गया है तो इन्होंने डाली है एक सेल्फी जिसमें टूर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद स्टार्स खुश भी दिख रहे हैं और काफी मेहनत के बाद थोड़े एग्जॉस्टेड भी. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर चूज करेंगे अपने ब्रदर को. रिपोर्ट्स की माने तो दोनों अतुल अग्निहोत्री और अरबाज खान की स्क्रिप्ट्स रेडी होने के बावजूद सलमान ने चूज किया अपने भाई को, साइडलाइन कर दिया अपने जीजा को. जहां अरबाज ने सलमान को दबंग 3 की स्क्रिप्ट सुनाई थी, वहीं अतुल सलमान को बॉडीगार्ड 2 के लिए साइन करवाना चाहते थे. 30 खबरें फटाफट. Later on the show, Kareena Veere di wedding ko lekar hui confused. 30 और परिणीति बन गए हैं क्लोज फ्रेंड्स. अगर सोर्सेस की माने तो रिसेंटली रिशुम के लिए किए गए एक आइटम सॉन्ग में वरुण परिणीति की किस के बाद और ड्रीम टूर पर टाइम स्पेंड करके वरुण परिणीति हो गए हैं क्लोज और बन गए हैं स्पेशल फ्रेंड्स. रिपोर्ट्स की माने तो वरुण परिणीति को इतना मानने लग गए हैं कि उन्होंने परिणीति को रेमो डिसूजा के साथ अपनी नेक्स्ट ABCD 3 के लिए भी रेकमेंड कर दिया है. 30 खबरें फटाफट.
अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर ने केप टाउन से बीट पे बूटी चैलेंज किया पूरा। ये वीडियो जैकलीन फर्नांडिस ने डाली अपने सोशल हैंडल पर। चेतन भगत भी दिखे इस वीडियो में खूब मस्ती करते हुए। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह भंसाली की फिल्म पद्मावती में काम कर रहे हैं या नहीं, इसे लेकर बॉलीवुड में गेसिंग गेम चल रहा है। और कल एक इवेंट पर पहुंचे रणवीर ने इस फिल्म में काम करने को लेकर एक ऐसा जवाब दिया कि लोग और भी कंफ्यूज हो गए हैं। राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन एनी ऑफ माय अपकमिंग फिल्म्स, बट एज़ सून एज़ देयर इज सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय अपकमिंग स्लेट ऑफ फिल्म्स, आई विल बी द फर्स्ट वन टू लेट यू नो। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार के इनकार के बाद फाइनली निखिल अडवाणी को अपनी फिल्म बाजार के लिए दो एक्टर्स मिल गए हैं। सोर्सेस का कहना है कि निखिल ने अपनी इस फिल्म के लिए सैफ और अर्जुन कपूर का नाम फाइनल कर दिया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो आमिर खान बन सकते हैं रणबीर कपूर के डैड। जी हां, सोर्सेस की माने तो संजय दत्त की बायोपिक फिल्म में आमिर खान को राजकुमार हिरानी सुनील दत्त के रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि आमिर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई है कि वो राजकुमार हिरानी को इनकार नहीं कर पाए हैं। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की न्यूज आने के बाद हर कोई सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर वो अपनी अपकमिंग फिल्म वीरे दी वेडिंग की शूटिंग कब शुरू करेंगी। ऐसे में कल एक इवेंट पर मीडिया ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए करीना से ही ये सवाल पूछ लिया। Well, whichever role I do, I think I'll be in whatever phase I'm in right now, which is very, very normal. I'm not going to hide anything and camouflage it for the screen at all. I'm very proud of the phase I'm in. And there's nothing to hide about it. And also, as far as yes, whichever film I choose to do will see me the way I am. But right now, we're still working on dates and what we're going to do, whether we're going to start the film now or it all depends on how I feel. 30 खबरें फटाफट। फरहान अख्तर से सेपरेशन के बाद भी औधना अख्तर फरहान की अच्छी दोस्त हैं। ऐसे में अब औधना को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके पास्ट रिलेशन के बारे में मीडिया उनसे बात करें। यही वजह है कि रिसेंटली औधना से एक इवेंट पर जैसे ही उनसे फरहान को लेकर सवाल किया गया, उन्हें आ गया गुस्सा। 30 खबरें फटाफट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म राब्ता के सेट पर हो गए हैं इंजर्ड। सोर्सेस की माने तो फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान सुशांत इंजर्ड हो गए हैं और अब डॉक्टर ने उन्हें एक महीने रेस्ट करने की सलाह दी है। हम आपको बता दें, सुशांत की इंजरी इतनी ज्यादा बड़ी है कि फिल्म राब्ता की शूटिंग को पोस्टपोन करना भी पड़ सकता है। 30 खबरें फटाफट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अचानक खान फैमिली के फेवरेट बन गए हैं और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए नवाज ने बताया, सिर्फ फिल्म की वजह से नहीं बल्कि नॉर्मली भी वो खान फैमिली के काफी करीब हैं। मेरा नॉट बिकॉज ऑफ फिल्म, फिल्म के अलावा भी मेरा बहुत अच्छा, पूरी फैमिली से बहुत अच्छा हो रहा है। ना ही सिर्फ भाई बल्कि अलविरा, अर्पिता, उनसे भी बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा रेप हो रहा है। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने फिल्म गोलमाल 4 को लेकर दिया है एक डेयरिंग बयान। दरअसल खबर आ रही थी कि उनकी प्रेगनेंसी की वजह से रोहित शेट्टी उन्हें इस फिल्म में साइन नहीं कर पाएंगे और जब ये सवाल करीना से पूछा गया तो उन्होंने दिया ये दमदार बयान। रोहित शेट्टी had given a quote that he will miss you in गोलमाल 4. So since because you are in this phase, he is finding it odd to talk it out to you about the role. So what do you have to say about it? Well, I think that those who have a role for me, they'll come to me. Pregnant or not, I don't think there's anything wrong in that. And why should he be scared? 30 खबरें फटाफट।
रणवीर सिंह कितने एनर्जेटिक एक्टर हैं, इसका नजारा बार बार देखा जा चुका है। इवेंट कोई भी हो, रणवीर हमेशा रहते हैं चार्ज्ड अप। कल भी एक इवेंट में जब रणवीर को किया गया स्पॉट तो कुछ इसी तरह का एनर्जी लेवल देखने मिला। वेल, यहाँ आए रणवीर से जब पूछा गया कि उनके बाद बॉलीवुड में कौन है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्टर, तो रणवीर ने लिया अक्षय कुमार का नाम। आई थिंक एनर्जी की बात करें तो दो नाम इमीडिएटली आ जाते हैं। एक तो वन एंड ओनली अक्की सर, यू नो उनकी एनर्जी तो कितने सालों से बरकरार है। ही लिव सच अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, जल्दी सो जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं। ही लिव्स अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल and that's why for so many years he is and has been the most energetic actor. Teez khabrein fatafat. राजकुमार राव ने किया बंगाली फिल्म को सपोर्ट। एक्टर राजकुमार राव पहुंचे अपकमिंग बंगाली फिल्म शाहे बीबी गोलाम को सपोर्ट करने। 26 अगस्त 2016 को रिलीज होने वाली इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रथम डी गुप्ता ने, और राजकुमार राव फिल्म को लेकर हैं एक्साइटेड। I'm very excited. Pratham is a dear friend and I've always had a lot of faith in his talent. The way he's used to review our films as well. Now he's come up with his own film, so I'm very excited to watch it now. 30 खबरें फटाफट। करिश्मा कपूर को स्पॉट किया गया एक डिजाइनर के न्यू कलेक्शन लॉन्च इवेंट पर। इस ओकेजन पर ब्लैक कलर के आउटफिट में करिश्मा बेहद यंग और खूबसूरत लग रही थी, और अपनी इस खूबसूरती का राज भी उन्होंने शेयर किया। Tell you what, honestly, I feel the secret is that never go by fads and trends. Do what you believe in, and I think I'm very in that sense old fashioned at heart, so I love yoga. 30 खबरें फटाफट। रणवीर और वाणी के किसिंग पोस्टर्स को देखने के बाद दोनों की ये नई पिक्चर भी देखिए। इस पिक्चर को देख लगता है कि रणवीर वाणी की केमिस्ट्री विल क्रिएट अ बज। वैसे आपको बता दे कि बेफिक्रे दिसंबर में रिलीज हो रही है, और पूरे 8 साल बाद आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, क्या सलमान की ट्यूबलाइट हॉलीवुड फिल्म की है कॉपी? खबरें फटाफट। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर सुनने में आ रहा है कि इंडिया चाइना वॉर बैकड्रॉप पर सेट ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म लिटिल बॉय से इंस्पायर्ड है। हालांकि इन दोनों फिल्मों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लिटिल बॉय फादर और सन की कहानी है, वहीं ट्यूबलाइट दो भाइयों की कहानी है। फिलहाल फिल्म में इट्स सलमान हु प्लेज़ द कैरेक्टर द बॉय प्लेड इन द ओरिजिनल। जस्ट लाइक पेपर गेट्स मॉक्ड फॉर हिज डिमिनटिव स्टैचर, सलमान खान अपने स्पेशल कैरेक्टर की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते नजर आएंगे, और सोहेल खान जो सलमान के भाई का रोल कर रहे हैं, he will be the one who goes missing in action during a war. 30 खबरें फटाफट। क्या इलियाना डिक्रूज और उनके ऑस्ट्रेलियन बॉयफ्रेंड एंड्रू नीबोन ने शादी कर ली है? वो एक न्यूज़पेपर में छपी खबर की माने तो दोनों ने लास्ट ईयर दिसंबर में ही सीक्रेटली शादी कर ली है। दो इलियाना कभी भी अपने रिलेशनशिप पर बात करना प्रेफर नहीं करती। आपको बता दे, इलियाना और एंड्रू 2014 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और रिसेंटली दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े एक साथ एयरपोर्ट पर किए गए थे स्पॉट। 30 खबरें फटाफट। खबरें आ रही हैं कि करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का टीजर अगस्त 30 को आउट कर दिया जाएगा। जी हां, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन और फवाद खान स्टारर इस फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर 30 को डिजिटली रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बता दे, दिवाली पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर ऑलरेडी लोगों में काफी क्यूरियोसिटी है। 30 खबरें फटाफट। रितेश देशमुख और नरगिस फाखरी का ये अंदाज देखकर आप इससे पहले शॉक हो जाएं। हम आपको बता दें कि दोनों का ये लेटेस्ट पिक्चर है उनकी अपकमिंग फिल्म बैंजो के सॉन्ग उड़न छू का। 30 खबरें फटाफट।
कृति सैनन ने भी पोस्ट की अपने सोशल हैंडल पर बीट पे बूटी चैलेंज की वीडियो। इस वीडियो में वो अपने हीरोपंती को स्टार टाइगर की तरह मूव्स करते दिखाई दे रही हैं। तीस खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत ने शेयर किया अपनी आने वाली फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का पोस्टर। इस पोस्टर में सुशांत दिख रहे हैं धोनी के हर अवतार में। सोर्सेस की माने तो सुशांत ने इस फिल्म में अपने हर एक अवतार पे कई दिनों तक काम करके ये लुक्स पाए हैं। 30 खबरें फटाफट। अली जफर हुए स्टार स्ट्रक। जी हाँ, रिसेंटली अली जफर को यूएसए में जब गेम ऑफ थ्रोन्स फेम सांसा स्टार्क दिखी तो वो खुद को उनके साथ सेल्फी लेने से रोक नहीं पाए। बॉलीवुड का हर स्टार, चाहे वो रणबीर कपूर हो, सोनम कपूर या वरुण धवन, सभी इस टीवी सीरीज के बड़े फैन हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान की बहन के घर हुई चोरी। अर्पिता और आयुष के घर हुई ब्लैक्स की चोरी। कहा जा रहा है आयुष और अर्पिता को इस चोरी की जानकारी तब मिली जब वो छुट्टियां मनाकर अपने घर लौटे। आयुष अर्पिता ने इस मामले में पुलिस में एक केस दर्ज करवाया है। 30 खबरें फटाफट। ऐसा कहा जा रहा था कि डियर जिंदगी में शाहरुख का रोल बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन अब आलिया ने अपने एक स्टेटमेंट में कह दिया है कि अगर शाहरुख का रोल मूवी में से निकाल दिया जाए तो मूवी कुछ भी नहीं है। साफ है, आलिया बताना चाहती है कि ये फिल्म उतनी ही शाहरुख खान की है जितनी उनकी। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान को फिर से उनके रियलिटी शो के एक कंटेस्टेंट ने बनाया है निशाना। इस कंटेस्टेंट ने सलमान खान के डांसिंग स्टाइल को मंकी डांस से कंपेयर कर दिया है और यह है सपना भवनानी। और यही नहीं, सपना भवनानी ने अपने बुक लॉन्च पर कहा कि सलमान खान इतने इम्पोर्टेंट नहीं कि उन्हें उनकी बुक में जगह मिले।